आप देख सकते हैं कि फ़ोन के अपने फ़ोन में जो आपका मोटो A50 प्रो फ़ोन है, तो मोटो A50 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को आप कैसे रिबूट कैसे कर सकते हैं बिना बटन्स के, और फ़ोन को बिना बटन्स के आप रिबूट कैसे कर पाएंगे मोटो A50 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन को रिबूट कैसे कर पाएंगे तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन को रिबूट कर पाएंगे, सिंपली देख सकते हैं कि सेटिंग्स शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्पेशल फंक्शंस का। तो स्पेशल फंक्शंस का आप यूज़ करके अपने फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के, सिंपली देख सकते हैं। तो आप रिबूट कैसे कर पाएंगे फ़ोन को, तो आपको बस ये एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, फिर मेन्यू एक्सेसिबिलिटी पे चले जाना है, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को आप रिबूट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि सिंपली बस आपको इसको ऑन कर देना है और आपको शॉर्टकट आइकन से ऑन हो जाएगा, जिसको आप रिबूट कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको शॉर्टकट्स पे जाना है, जिसमें से आपको पावर शॉर्टकट्स पे जाकर जब आप ग्रीन ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो फ़ोन आपका रिबूट हो जाएगा बिना बटन्स के, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे और फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं इस ऑप्शंस के जरिए। तो आप चाहें तो शट डाउन भी कर सकते हैं, रिबूट भी कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल भी आप लगा पाएंगे जब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं मोटो A50 प्रो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।